आगे बढ़ेंगे जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज देवास पहुंचे, जहां पर वे कांग्रेस द्वारा शहर के एक निजी कार्टन में रखे गए कोरोना से मृत लोगों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अब तक सरकारी मदद नहीं मिली है। उन्होंने दुख जताते हुए कांग्रेसियों से कहा कि हमें सरकार से लड़ाई लड़ना है, पीड़ित परेशान हो रहे हैं, उन्हें राहत राशि दिलाना है। इस दौरान मौजूद सभी कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रख कोरोना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार वाले सवालों पर जवाब दिया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कमलनाथ जी परसों गए थे और वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से राहत राशि भी बांटी है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी दोषी कर्मचारियों को फांसी की सजा दिलवाओ। आपने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका जल्दी जल्दी चालान हो और दोषी व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक में ये प्रकरण लाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मोदी जी आज कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, खासकर सिंधिया जी उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप सिंधिया जी के कैबिनेट में? मोदी जी भी अब 75 साल के होते जा रहे हैं, उनको भी मार्गदर्शन में दंडन जाना जल्दी जाना चाहिए, वो भी अब युवा नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को भी मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए अब।